नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है सरपतहा थाना क्षेत्र के जहरुद्दीनपुर गांव में। आपको बता दें कि यहां से एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल होती है कि यहां पे चार पांच लोग के घरों पर बुलडोजर चलवाया जाता है। और आपको बता दें कि हमेशा पक्ष विपक्ष दोनों खबरें चलती हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री पवन पाल जी। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपको सही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सही चीज क्या है। देखिए हम भी मामले को देखें, पूरा समझे, लेकिन अगर प्रूफ की बात किया जाए तो हमारे साथ पवन पाल जी हैं। ये सारी चीजें एक एक चीज आपको क्लियर करने वाले हैं कि कैसे ये बुलडोजर चला है और कैसे गिरवाया गया है। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में भूमाफिया की बात किया जाए और तमाम प्रकार के अगर भ्रष्टाचारियों की बात किया जाए तो योगी सरकार का लगातार शिकंजा चल रहा है दोस्तों। और ऐसे में यहां कुछ गांव में क्या हुआ है खास, हम ये जानने के लिए और पड़ताल करने के लिए पूरी मेरी टीम आई हुई है और हम बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी न्यूज चैनल। धन्यवाद जी। जी सर, सबसे पहला सवाल है कि आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि आप जबरदस्ती उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा के उन लोगों का घर गिरवा दिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप लगा देना किसी के ऊपर वह एक अलग विषय होता है। आरोप का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। आरोप की किसी के ऊपर आरोप लगाया जाए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। देश के बहुत ही पारदर्शी तरीके से आम आवाम की खबरों की, उनकी आवाज़ को देश के अंदर आप पहुंचाने का काम करते हैं। आप अगर वहां गए होंगे, मेरे ऊपर उन लोगों ने अगर आरोप लगाया है तो उसी के क्रम में आप मेरे पास आए हैं जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं उनका आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। किसी भी प्रकार से अगर वह यह कह रहे हैं कि भाजपा नेता के इशारे पर बुलडोजर चलाया गया, भाजपा नेता ने हम लोगों का घर गिरवा दिया, मैं उनसे कहना चाहता हूं वह 2007 से मुकदमा तहसीलदार महोदय के न्यायालय में लंबित था। 2009 में बेदखल हुए, आज भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। 2009 में बहन जी की सरकार थी जी, बिल्कुल। उसके बाद उसकी भी नोटिस मेरे पास है, मैं आपको विद प्रूफ है देख सकते हैं आप कैमरा इधर करके। 2009 में वह लोग जो है बेदखल हुए जी, और 2009 के बाद पुनः जो है वह लोग 2014 में भी बेदखल हो गए। कार्यवाही जो है केवल लटकी रही किसी तरह। और मामला लैंड का है, सुरक्षित 132 लैंड का मामला है, साधारण मामला नहीं था जी। और 2016 में भी बेदखल हुए, केवल लिंगर किए जाते थे मुकदमे, तजवेज चाहने, उसके बाद जाके लंबी तारीखें लेना, 6 महीने साल भर की तारीखें लेना, मुकदमे को झेलाना। तो कहीं ना कहीं यह चीजें जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और संगठन का बहुत निष्ठा से काम करता हूं। मेरा परिवार कभी कोई राजनीतिक घराना का मुझको विरासत नहीं मिला है जी, जी, जी। मैं बहुत जमीन से जुड़कर संगठन का काम किया हूं और मैं आपको बता दूं मैंने उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में काम किया है कि आज के लोग कोई जुड़ेंगे तो करेंगे नहीं जी। मैं सन 2000-2001 में दीवालों पर पोस्टर चपना कर आज भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना प्रारंभ किया था। साइकिल के कैरियर पर मैं पोस्टर लेकर चलता था और डिब्बे में ले ही गोद में लेकर घरों दीवालों पर चपकाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है, मैं कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, अगर मैं पूरे जहरुद्दीनपुर में एक ढिशमिल एक बिश्वा कहीं मैंने अवैध कब्जा किया हो तो योगी महाराज जी का बुलडोजर मेरे ऊपर भी चला दिया जाए, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। वह लोग केवल आरोप लगा रहे भाजपा भाजपा भाजपा। अरे आज महाराज जी हमारे, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, पूरे प्रदेश में कौन नहीं जा रहा है, जो भी अवैध जमीनें हैं, जो भी इस तरह से अपराधी है, माफिया है, गुंडे हैं, उन लोगों की जमीनों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। हाई कोर्ट का आदेश है। सर रोकना चाहेंगे आपको कि जैसा कि वहां पे हम लोग आए पता किए कि उन लोगों का जो घर यहाँ पे जो गिरवाया गया है इसके बाद भी कोई घर वगैरह है उन लोगों का? उनके पास बिल्कुल मकान है गाँव में, यही अभी आप हमारे साथ चलिए मैं आपको मकान दिखा दूं। उनके पास सभी लोगों के पास मकान है, नाम सहित बता दूं उनके घर में जो है गुलाम राम गुलाम है, उनके लड़के नीरज जो है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में जो है वह नौकरी कर रहा है, ससों के पद पर है। एक दया राम है, उनका लड़का बीटेक करके इंजीनियर है, कम से कम 80,000 रुपए महीना वह पा रहा है। कन्हैया लाल है, उनके पास ट्रैक्टर है, बुलोरो है, 50 लाख रुपए की कंटेनर गाड़ियां बंबई में चल रही है, आप पता करिए।
ऐसा नहीं है केवल यहां मकान वहां झोपड़ी रख के उसको कब्जाए रखना और जब प्रशासन कब्जा करा दे केवल दुहाई देना कि हमको सरकार के द्वारा लाख दो लाख चार लाख रुपए आर्थिक सहायता मिल जाए, कुछ समाजसेवी संस्थाएं दे दे, बस केवल यही नियति है। आप पता करिए जाकर। अच्छा सर, कब आपको ये पता चला कि ये सरकारी जमीन है और चारागाह है और उस पर आपने पेपर कार्यवाही शुरू कर दी? देखिए ऐसा है, यह मामला तो पुराना था लेकिन पिछली सरकार में ही ये लोग बेदखल हो गए थे, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। मैं पेपर दे रहा हूं, मुकदमे चल रहे थे। पिछली साल एक हमारा मामला था, मैं मीडिया के सामने हूं, मैं वास्तविकता को बयां करना चाहता हूं जी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे ऊपर आरोप लग रहा है तो आप लोगों को भी यह होगा कि यह क्यों इतना इसमें इंटरेस्टेड है। कोई ना कोई इनका इंटरेस्ट रहा होगा, तो मेरा इंटरेस्ट का एक कारण थोड़ा सा बना उसमें और नियम कायदा कानून के तहत मैं इंटरेस्ट हुआ। कोई गुंडई, कोई बदमाशी, कोई इस तरह सा नहीं कह सकता कि मैंने जबरदस्ती किया। आज तक आप पता करिएगा, डीसीआरबी की रिपोर्ट निकलवा लीजिए, पूरे जनपद में जितने थाने हैं मेरे खिलाफ 151 का मुकदमा नहीं लिखा गया है। आज उन लोगों को शर्म नहीं आती, हमको माफिया कहते हैं, हमको गुंडा कहते हैं, हमको दबंग कहते हैं, हमको कहते हैं कि बहुत बड़े गुंडे हैं। हम कह रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड खंगलवाइए कि आज तक मेरे नाम पर कहीं भूमाफिया का कहीं मुकदमा दर्ज हो, कहीं मैंने किसी को सताया हो, कहीं मारा हो, 151 हो, इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दे सकता हूं। तो मेरे ऊपर इस तरह का आरोप पब्लिक में बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि विषय से थोड़ा मैं हट गया, मेरा एक पुश्तैनी 4 बीघे का भूमिधरी का नंबर था, उस भूमिधरी को नंबर को 50 साल से जोता बोया जा रहा था और उसी से सटा हुआ ग्राम समाज का नंबर था। इन लोगों ने क्या किया, यहां के कुछ विरोधी मानसिकता के लोग जो हमारे दल की विपरीत की मानसिकता रखते हैं, उन लोगों ने यह कहा कि पवन पाल ने ग्राम समाज कब्जा किया है, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिए पिछली साल। एसडीएम साहब, डीएम साहब की अध्यक्षता में टीम गठित हुई, एसडीएम साहब, सीओ साहब, नायब तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब, सारे तहसील के प्रशासनिक अधिकारी बाय फोर्स सारे लोग आते हैं, पैमाइश होती है। संजोग से मैं संगठन के काम से उस दिन वाराणसी में था, घर था भी नहीं, क्योंकि घर का मैं माँ बाप का इकलौता संतान हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है, यह भी आपको बता दूं। हमारे पिताजी आज 14 साल पहले मुझको छोड़कर चले गए, मेरी माता जी थी केवल घर पर, मैं भी नहीं था। पूरा फोर्स आ गया, उसके बाद एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला, हमके एसडीएम साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का कार्यकर्ता हूं, अगर जितना भी कब्जा मैंने अवैध रूप से जाने अनजाने में मुझसे हुआ हो, अगर वह लोग यह चाह रहे हैं कि कब्जा तत्काल खाली हो जाए, तो जैसे भी आप चाहते हैं कब्जा खाली करवा दीजिए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मैं सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारी पार्टी अगर सत्ता में रहते हुए कोई कार्यकर्ता गलत करेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे बाबा जी का बुलडोजर उसके ऊपर भी चल जाएगा, रुकेगा नहीं, या आपने देखा भी है। मैंने कहा अगर सर मैं गलत हूं, मैंने अवैध कब्जा किया है जाने अनजाने में, आप पूरी तरह से उसको नस्तनाबूत कर दीजिए, मेरे कब्जे को हटाकर एकदम खाली कर दीजिए, न मैं किसी अपने शासन के मंत्री, विधायक, सांसद, बड़े नेता, मैं किसी से कहने नहीं जाऊंगा। इन लोगों ने, जिनका आज घर गिरा है, प्रशासन ने जबरदस्त कार्यवाही किया है और हाईकोर्ट के आदेश पर किया है, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था कि इतने दिन में डिमालिश करके कब्जा खाली करा के हमको अवगत कराया जाए। इन्हीं लोगों के घर का ट्रैक्टर और यही लोग चालक और जितना दो करीब 3 लाठे चौड़ा कब्जा निकला, लेकिन इन लोगों ने शरारत के नाते प्रशासन थोड़ा सा वहां हटा, उसके एवज में 6 बिस्सा 5 बिस्सा कब्जा था, मेरा 14 से 15 बिस्सा इन लोगों ने नस्तनाबूत कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे गन्ने की फसल को और उसको सोशल मीडिया पर चलाने का काम किया। मतलब मुझको जितना अपमानित कर सकते थे कि भाजपा नेता का कब्जा प्रशासन ने कराया खाली, भाजपा नेता का घमंड हुआ, चकनाचूर, जो भी अनाप शनाप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर डालने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, ये तो सब चलता रहा। सर एक मिनट और आपको रोकना चाहेंगे, देखिए ये अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं थी। एक बात और आप बताइए, अभी आप बता रहे थे कि जब 2009 में ये बहन जी और अखिलेश सरकार में ये लोग बेदखल हो गए थे, उस समय कब्जा क्यों नहीं हट पाया? नहीं हट पाया, उस समय बेदखल हुए,
बस ये लोग कहीं कहीं हमारे बाबा की तरह तो हर सबका बुलडोजर गर्जा नहीं है जी जी। बाबा का अगर यूपी में गर्जा है तो बाबा का बुलडोजर गर्जा है। आप देख लीजिए 2017 की पहले की सरकार देख लीजिए, 2012 तक के कार्यकाल का, और 2012 से पहले 2007 तक का कार्यकाल देख लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है जिन लोग बिरयानी खिलाते थे प्लेटों में उनके घर पर बुलडोजर चलने का काम हुआ है बाबा की सरकार में, तो हुआ अवैध। और मैं आपको बता दूं, मेरी खबर को हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि अगर यह आरोप है तो इसकी जांच कराया जाए और हाई जांच कराया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी गाय मां के कितने बड़े भक्त हैं पूरा हिंदुस्तान जानता है। इन्हीं कब्जेदारों ने अभी आज 4 से 5 महीना पहले मेरा खून उसी मेरा खून खौल गया जिस दिन मैंने उस दृश्य को देखा, और मेरे पास उसका भी फोटोज और वीडियो है और सरकारी डॉक्टर का भी गवाही उसमें है। इन्हीं लोगों ने गौ माता उसी चारागाह पर चरने जाती हैं और इन्हीं के परिवारों ने कुल्हाड़ी से पैर पर वार किया, उस गौ मां का पैर कट जाता है और तीसरे दिन कीड़ा पड़ जाता है। कीड़ा पड़ने के बाद वह लंगड़ाने लगती है, मुझको पता चलता है कि गौ मां को कुल्हाड़ी से उन लोगों ने मारा है। मैं डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर से बुलाकर मैंने सुई पट्टी दवाई, कम से कम 20 कीड़े उनके पैर से निकले, पैर सड़ चुका था, 20 कीड़े निकले और मैं लगातार दवा किया। डॉक्टर आलोक पालीवाल जी हैं, सरकारी डॉक्टर है, इस समय पशु डिप्टी पशु चिकित्सा सीएमओ है, डिप्टी सीएमओ है, आप पता करिए, वही आकर ट्रीटमेंट किए डॉक्टर आलोक पालीवाल जी, और उन्होंने कहा कि जो भी मारा है बड़ी निर्दयता के साथ मारा है, गोड़ कट गया था। मैंने उसी दिन ठाना कि ये गौ माता अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनका यह कार्यकर्ता भी आपके हक और सम्मान की लड़ाई के लिए जब तक आपके द्वारा की गई चारागाह की भूमि को मैं खाली नहीं करा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्हीं गौ माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि जो मैंने प्रशासन और कानून की लड़ाई को लड़कर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय, माननीय कमिश्नर महोदय के न्यायालय में और माननीय तहसीलदार महोदय के न्यायालय में मैंने एक कानूनी लड़ाई, लंबी लड़ाई उस पर लड़कर आज जो है अवैध अतिक्रमण को हटवाने का काम प्रशासन ने किया। आपको बता दें दोस्तों कि जहां पर यह चलाया जा रहा था कि बाबा का बुलडोजर पवन पाल ने अपने क्षेत्र में कई लोगों को घर तबाह कर दिए, लेकिन आप पवन पाल का बयान सुन रहे हैं दोस्तों कि क्या पीड़ा है, वाकई में क्या सच्चाई है। चाहेंगे जरा वो पेपर 2-3 हमारे दर्शकों को आप दिखा दीजिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है आप देख लीजिए, बाकायदा इनके पास पूरे पेपर हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये लीगल तरीके से कार्रवाई हुई है और चारागाह को खाली करवाया गया है। तो आपको बता दें कि योगी सरकार का बुलडोजर वो अवैध रूप से जो अवैध रूप से कब्जा किए रहते हैं उन्हीं के ऊपर चलता है, और पवन पाल जी के पास पूरा एकदम प्रूफ है, सारी चीजें बता रहे हैं। हालांकि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये आवाज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि क्या सही है क्या गलत है। जहां पर इनके ऊपर आरोप लग रहा था वहीं पर हम इनसे बयान लेने के लिए दोस्तों यहां पर मौजूद है। सर जरा दिखाने का प्रयास, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जी। आप इसमें देख सकते हैं कि इसको आप स्कैन करके डाल भी सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है इसमें कि आई वुड सर्वे या परपेचुएट कीप द राइट पिटीशन पेंडिंग आप दियर बिफोर द पिटीशन ऑफ डिस्पोजिट ऑफ विद डायरेक्शन टू द तहसीलदार तहसील सागन डिस्ट्रिक्ट जौनपुर टू डिसाइडेड द रिकॉल एप्लीकेशन फील्ड बाय द इंक्रोचमेंट विथ इन 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपी दिस ऑर्डर इज सर्वेड ऑन हिम एंड केस ऑफ तहसीलदार रिकॉल इन प्रीवियस ऑर्डर द केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एलेंड इंक्रोचमेंट सेल बी द डिसाइडेड विथ इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ मतलब 6 महीने के अंदर हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोजल करने का आदेश दिया। फिर देख लीजिए आप, लेट दिस ऑर्डर द कम्युनिटी केटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जौनपुर बाय द जॉइंट रजिस्ट्रार कंप्लायंस फॉर कंप्लायंस ऑफ द ऑफिसर से डायरेक्शन ऑर्डर डेट 5/3/2022। 5/3/2022 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप देखिए पीआईएल पब्लिक इंटेक्स लिटिगेशन पीआईएल नंबर पीरसन पवन कुमार पाल आप सलाम गुलाम देखिए कन्हैया लाल हनुमान दयाराम राम कृपाल राम मगन आल रेजिडेंट टू आप विलेज जहरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत जहरुद्दीनपुर पोस्ट ऑफिस फला। इतने लोग इसमें पार्टी बने हैं। आप ये हाई कोर्ट का आर्डर मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा देखिए, ये हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कंप्लायंस का पत्र डीएम साहब के कार्यालय को गया है इसी के संदर्भ में जी। उसके बाद देखिए
2009 में लोग जो बेदखल हुए थे उसका बेदखली का आर्डर देखिए 30/9/2009 को तहसीलदार साहब के न्यायालय ने बेदखल कर दिया है। 30/9/2009 को ही बेदखल हुए थे, लेकिन बाबा का बुलडोजर नहीं था। बाबा का बुलडोजर तो हमारे 2017 के बाद आया है, ऐसे अवैध अतिक्रमण जो चल रहे हैं। जी जी जी, तो आपको बता दे दोस्तों, और देख लीजिए। जी जी जी, उसके बाद जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, आप देखिए स्पष्ट है 18/4/22। हाँ, आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम जहरुद्दीनपुर पंगला परगनांगुली तहसील सागन जिला जौनपुर स्थित गाटा संख्या फला को 30/9/2009 को 2009 का हवाला दिया गया है। इस न्यायालय से बेदखली व वसूली का आदेश पारित किया गया है, जिस आदेश के विरुद्ध तजवीज सानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, यह दिनांक 18/4/22 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील दाखिल की गई, जो दिनांक 12/7/22 को अपील खारिज कर दी गई। अतः आप उक्त आराजी से 15 दिन के अंदर अपना कब्जा स्वयं हटा लें, अन्यथा राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ कब्जा हटा दिया जाएगा। उक्त अतिक्रमण को हटवाने में जो भी खर्च वाहन होगा आपके बकाए भू राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। आपको बता दें कि इस पेपर से ये प्रूफ होता है कि ये जो बेदखल का ये नोटिस जारी हुआ था दोस्तों, ये हो गया था 2009 में ही, लेकिन 2009 के बाद कब्जा हटाया जा रहा है 2022 में। तो कहीं कहीं अगर ये अगर देखा जाए 2009 में शासन प्रशासन की भी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, अगर उसी समय हटा देना चाहिए था, लेकिन ये कार्य 2022 में पवन पाल जी के निर्देश में ये होता है। और पत्र माननीय उच्च न्यायालय का आप कार्यालय जिलाधिकारी जौनपुर को या माननीय उच्च न्यायालय के प्रभारी अधिकारी वाद ने दिया है पत्र, और कितना संवेदनशील पत्र है, अब मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, आप समझिए। तहसीलदार सागंज को डीएम साहब के थ्रू जो आया कि कृपया श्री अनूप कुमार राय रजिस्ट्रार कंप्लायंस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 9/3/2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पीआईएल संख्या 261/2022 श्री पवन कुमार पाल स्टेट बनाम यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5/3/22 का अनुपालन कराए जाने की अपेक्षा की गई है। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पीआईएल संख्या 261/2022 श्री पवन कुमार पाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5/3/22 के समादर में यथावंचित कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में अग्रिम नियत तिथि के पूर्व प्रत्येक दशा में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराए। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित है, अतएव त्वरित प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है, अन्यथा किसी प्रतिकूल आदेश की दशा में संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। बताइए, सीधे हाई कोर्ट ने तलब किया है कि माननीय उच्च न्यायालय का प्रकरण है, कार्यवाही करके आप न्यायालय को अवगत कराइए, स्पष्ट आदेश किया है, तो फिर पवन पाल के ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? पवन पाल ने कानूनी लड़ाई लड़ा, अगर मेरा यह लड़ना गौ मां की जमीन को खाली कराना, सरकारी संपत्ति को खाली कराने की पहल करना ही अपराध है, तो मैं इस अपराध को आप मीडिया के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के सामने मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूं, देश और प्रदेश की जनता के सामने स्वीकार करता हूं, अगर मैंने गौ मां के चारागाह भूमि को खाली कराकर यह अपराध करने का काम किया तो मैं अपराध स्वीकार करता हूं। चलिए दोस्तों, बता दें कि ये मेरी खास बातचीत चल रही थी पवन पाल, जो कि भाजपा क्षेत्रीय मंत्री हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।